बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको एमएस वर्ड में टेबल को क्रिएट करना, इंसर्ट करना और ड्रॉ करना सिखाया था। आज के लेक्चर में हम कॉलम्स, टेक्स्ट बॉक्स और क्लिपबोर्ड्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, दोस्तों अभी तक एमएस वर्ड में आपने भी ये नोट किया होगा कि जो भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं वो आपको किसी पर्टिकुलर लाइन यानी मार्जिन में टाइप करना होता था। अब अगर आप इन पैराग्राफ्स या लाइंस को सेंटर या कॉलम्स में यानी इन पैराग्राफ्स या लाइंस के अलावा कहीं और कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कहीं सेंटर में या कॉर्नर में, तो वो आप किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं जिसके अंदर अक्सर आप कुछ बेसिक डिटेल्स या फिर एड्रेस डिटेल्स वगैरह इस तरह से आप इस जगह पर लिखते हैं, तो दोस्तों ये तो लाइन में नहीं हुआ। तो इस तरह से आप किस तरह आप टेक्स्ट को, अपने मतलूबा टेक्स्ट को किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बॉक्स। और सिर्फ आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर अपना मतलूबा टेक्स्ट नहीं लिख सकते, बल्कि इस टेक्स्ट बॉक्स को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, चाहे कॉर्नर पे रखना चाहें, कहीं चाहे सेंटर में रखना चाहें। तो ये इसके फायदे हैं कि आप इसको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में मूव करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर क्या क्या फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है और आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एमएस वर्ड में मार्जिन के अंदर ही तमाम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट इंसर्ट हो, कोई डेट वगैरह आए या फिर कोई आपका एड्रेस वगैरह आए, या फिर आप डॉक्यूमेंट के सबसे आखिर में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट, और आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आप मूव भी करा सकें, डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहे आप उसको प्लेस कर सकें, तो इसके लिए एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बॉक्सेस। आप सबसे पहले इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद आप राइट हैंड साइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन देखेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन यानी सैंपल के तौर पर भी टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं, आप इनमें से भी कोई टेक्स्ट बॉक्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक कर्सर बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि अब आप जहां चाहें इस कर्सर के जरिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं लेफ्ट क्लिक की मदद से यानी लेफ्ट क्लिक दबाऊंगी और लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद अपने माउस को ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने से जितना बड़ा मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उतना अपने माउस को ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद दोनों हाथ छोड़ दूंगी यानी दोनों उंगलियां अपने माउस पर से हटा लूंगी। अब आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। अब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपनी मर्जी का जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों अब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट भी कर लिया है, उसके अंदर अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी डाल दिया है। अब आपको एमएस वर्ड बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है इस टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी शेप का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शेप से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके अंदर वर्ड्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह के वर्ड्स, इस तरह का टेक्स्ट इसके अंदर शो हो, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अलग अलग शेप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों अभी ये आप शेप स्टाइल के अंदर यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के शेप्स नजर आ रहे हैं और आप जिस भी शेप को सिलेक्ट करेंगे आप देखिएगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये उसी शेप में तब्दील हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करती हूँ और ये सिलेक्ट मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं इस शेप के अंदर अगर अपनी मर्जी का कोई कलर फिल करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन चेंज करना चाहती हूँ तो अपनी मर्जी से आउटलाइन चेंज कर लूंगी। इसी तरीके से इसके शेप्स वगैरह चेंज करना चाहती हूँ तो वो भी मैं अलग अलग इन ऑप्शंस के जरिए, शेप इफेक्ट्स के जरिए इसकी शेप्स भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्स की शेप्स आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं वर्ड्स का स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इन तमाम जो मैं अल्फाबेट को चूज करती जाऊंगी, जिस जिस अल्फाबेट के टेक्स्ट को मैं चूज करती जाऊंगी उसी स्टाइल का मेरा टेक्स्ट
होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस स्टाइल को अपना सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि आप अगर इस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ सेंटर में लाना चाहते हैं इसके टेक्स्ट को, या फिर आप इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इसका फॉन्ट कुछ करना चाहते हैं, तो आप होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद जैसे आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं इसके टेक्स्ट की तो लेंथ बढ़ा सकते हैं। अभी तो ये लेफ्ट के अंदर है, अगर आप इसको अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम ऑप्शंस जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर रहे थे, मैंने आपको सिखाए भी थे, आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो है क्लिपबोर्ड्स। दोस्तों एमएस वर्ड में जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद जब नया टेक्स्ट कोई कट या कॉपी करते हैं तो अब वो नया टेक्स्ट पेस्ट होता है, यानी पुराना वाला टेक्स्ट चला जाता है, डिलीट हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने कट या कॉपी हुए हुए टेक्स्ट भी आपके पास रहे, ताकि अगर उन्हें आपको दोबारा इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सके, तो इसके लिए एमएस वर्ड एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको प्रोवाइड करता है, विच इज अ क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी हुए हुए 24 टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट कट किया या फिर कॉपी किया, तो अब वो कट या कॉपी हुआ हुआ टेक्स्ट आपके इस क्लिपबोर्ड में आकर स्टोर हो जाएगा, और टोटल इसके अंदर 24 कट या कॉपी हुए हुए टेक्स्ट ही स्टोर हो सकते हैं। अब अगर आपने 25 टेक्स्ट स्टोर किए हैं तो वो पिछले टेक्स्ट को डिलीट करके आपके इस टेक्स्ट को स्टोर करेगा। तो दोस्तों ये चीज कहलाती है क्लिपबोर्ड। और एक बात याद रखें, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो आपके क्लिपबोर्ड में मौजूद तमाम स्टोर हुए हुए यानी कट या कॉपी हुए हुए टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आप अपने वर्ड प्रोसेसर में एमएस वर्ड में किस तरीके से इस क्लिपबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों क्लिपबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज, जो भी टेक्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में कट या फिर कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर जाकर भी स्टोर हो जाता है। क्यों? ताकि जब कभी आपको बार बार उसको इस्तेमाल करना हुआ हो तो आप वहां से क्लिपबोर्ड से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वापस से पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपके एमएस वर्ड में आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप होम के अंदर स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे नीचे एक वर्ड लिखा हुआ देखेंगे क्लिपबोर्ड का, और इसके बराबर में आपको एक बॉक्स नजर आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी क्लिपबोर्ड के नाम से। दोस्तों क्योंकि अभी हमने किसी भी चीज को कट या कॉपी नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि इस क्लिपबोर्ड के अंदर भी कोई टेक्स्ट आपको नजर नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कट करते हैं। तो अब कट करने के बाद अब हम जहाँ भी चाह रहे हैं इसको, फॉर एग्जांपल अपना कर्सर यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पहले एक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ को कट किया और कट करने के बाद यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम बिल्कुल जो टेक्स्ट हमने अभी पेस्ट किया है उसके नीचे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या ये आपके क्लिपबोर्ड के अंदर जाकर भी स्टोर हुए हैं। तो हम सब दोबारा से यहाँ पर क्लिपबोर्ड की इस विंडो पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दो टेक्स्ट हमने कट और कॉपी किए थे ये दोनों यहाँ पर आकर भी स्टोर हो गए हैं। अब क्लिपबोर्ड के जरिए आप चाहें तो आप इनको दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं जब चाहे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है पेस्ट का, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था ये यहाँ आकर पेस्ट हो गया है। इसके अलावा आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस डिलीट पर क्लिक करके। अगर आप तमाम टेक्स्ट जो भी आपने कॉपी किए थे या कट किए थे उन तमाम को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पेस्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम टेक्स्ट अब यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने क्लिपबोर्ड को खाली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक करके इस क्लिपबोर्ड को खाली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लिपबोर्ड की फंक्शनैलिटी। इसके बाद जो तीसरा फीचर आपको आपका एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, कॉलम्स। दोस्तों अक्सर आपने अखबार
या फिर डिक्शनरीज में इस तरह के कॉलम्स बने हुए देखे होंगे, यानी इस तरह के ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर ये कॉलम नजर आ रहा है। तो अगर आप इस तरह अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आइए हम इन कॉलम्स को अपने टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना सीखते हैं। दोस्तों कॉलम्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए अभी आप देखिए तो अभी आपको ये जो एक पूरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको कोई कॉलम नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप अपने इस टेक्स्ट को कॉलम्स के अंदर तब्दील करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे पहले लेआउट के इस मेन्यू बार में आप लेआउट पर क्लिक करेंगे और लेआउट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नजर आ रहा होगा कॉलम का, तो आप इसके इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, सॉरी मोर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी कॉलम्स के नाम की। अब दोस्तों ये यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू दिखा रही है कि आपका डॉक्यूमेंट इस वक्त इस हालत में है, तो आप प्रीसेट्स के जरिए अगर आप इस डॉक्यूमेंट को दो कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो आपकी डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगी, थ्री कॉलम्स के जरिए इस तरह से, इसी तरह लेफ्ट के जरिए इस तरह से और राइट के जरिए इस तरह से आपको दिखेगी। यानी आप प्रीव्यू के अंदर जो जो चेंजेस आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे एमएस वर्ड आपको प्रीव्यू यानी उसको करने से पहले ही आपको दिखा देगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखने वाला है। तो दोस्तों ये करने के अलावा आप अपनी मर्जी से कॉलम्स भी इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहती हूँ तो मैं ये ऊपर वाला जो एरो आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर आपको टू कॉलम नजर आ रहे हैं और साथ के साथ प्रीव्यू में भी आपको नजर आ रहा है कि मेरा ये कॉलम जो है, मेरा ये डॉक्यूमेंट अब दो कॉलम्स में डिवाइड होकर इस तरह से दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है इक्वल कॉलम विड्थ, यानी यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है जितने भी कॉलम्स आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने थ्री किया है तो तीनों की विड्थ यानी तीनों की चौड़ाई सेम होगी, लेकिन अगर आप इक्वल कॉलम विड्थ नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बीच वाला जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा हो और जो कॉर्नर्स वाले हैं वो थोड़े कम कम जो है वो चौड़े हो, उनकी विड्थ कम हो, तो आप इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, इसके ऊपर से ये जो टिक मार्क है ये आप हटा देंगे। और दोस्तों आप देखिए जैसे ही आपने ये टिक मार्क हटाया अब ये आपको इजाजत दे रहा है एमएस वर्ड कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको विड्थ दे सकते हैं। देखिए ये चेक मार्क जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगी अब यहाँ से ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी मर्जी से भी कॉलम्स की विड्थ बढ़ा सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बीच जो आपको ये बीच वाला कॉलम नजर आ रहा है इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई ज्यादा रखना चाहती हूँ तो मैं ये ऊपर वाला जो आपको बटन नजर आ रहा है इसको प्रेस करती रहूंगी, तो देखिए कि इसकी चौड़ाई आपको ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर मैं इसकी चौड़ाई को कम करना चाहती हूँ तो मैं इसके नीचे वाले एरो पर क्लिक करूंगी, तो इस तरह मैं इसकी विड्थ किसी भी सेल की किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों एक और चीज के अगर आप इन कॉलम्स के बीच की स्पेस यानी ये स्पेस व्हाइट वाली आपको नजर आ रही है इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से इन स्पेसिंग के कॉलम के अंदर जाकर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने कॉलम वन के दरमियान स्पेस बढ़ाई है तो यहाँ पर स्पेस आपको ज्यादा नजर आ रही है, तो इस तरह से आप कॉलम्स के दरमियान भी स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है लाइन बिटवीन का, दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा कि इन तमाम कॉलम्स के दरमियान आपको लाइन नजर आएगी, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रीव्यू में भी तमाम चेंजेस को देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो आपने चेंजिंग की है ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर हो तो आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट पर करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब जैसे ही अब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है अब ये पूरा का पूरा कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेआउट के अंदर कॉलम्स में जाकर तमाम ऑप्शंस को क्लिक करके अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड। दोस्तों यहाँ तक आपने टेक्स्ट बॉक्स, क्लिपबोर्ड और कॉलम्स को आप किस तरह अपने एमएस वर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी डिटेल्स देखी। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक आर्टवर्क एंड ग्राफिक्स, यानी आप किस तरह आर्ट्स और ग्राफिक्स को अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।